हैदराबाद के मोहम्मद नगर इलाके की मोहम्मदी मस्जिद के पास वाक़ रेलवे ट्रैक के करीब एक शख्स के हादसे में जान बहक होने की खबर है। अहले खाना के मुताबिक उनके बेटे का कत्ल हुआ है, वो किसी भी हादसे में हलाक नहीं हुआ। मुतवफ़ा के वालिद ने कहा कि उनके बेटे के बहुत से दुश्मन हैं। उनका बेटा पेशे से ड्राइवर था। वालिद ने कहा कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है, उसके बाद उसे रेलवे ट्रैक पर डाला गया। वालिद ने मजीद ये भी बताया कि उनके बेटे को 4 बजे कॉल आई थी, जिसके बाद वो घर से निकला था, लेकिन फिर वो घर नहीं लौटा। पुलिस थाने से उनको एक कॉल मौसूल हुई, जिन्होंने शनाख्त के लिए उन्हें थाने बुलाया था। वालिद का कहना है कि उनके जवान बेटे को दुश्मनों ने मार डाला। उनका मुतालबा है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश हो और कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सोहेल है। मेरे बेटे का जो है सो एक्सीडेंट बोल के बता रहे, मगर एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है मेरे बेटे का। और मेरा बच्चा जो है सो 4:30 बजे जो है सो फोन उसको आया था, पता नहीं मेरे को फोन आया था या नहीं आया था नहीं मालूम। उन्हें जो है अम्मा को उठा के जो है सो बोला के जो है सो 4:30 बजे अम्मी को उठा के बोला के मैं अब भी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ बोल के गया। गया तो फिर वापस नहीं आया। 6 बजे हमारे मिसेज जो है सो फोन करे, उसको फोन करे तो फोन उसका स्विच ऑफ बताया। अब बच्चे का स्विच ऑफ बताया तो फोन बंद हो गया होगा समझे। मेरा बच्चा छोटा हाथी भी जैसे किराए करता और टोचन भी चलाता, टोचन गाड़ी का भी वो है। तो कितने बजे निकले? सुबह में 4:30 बजे निकला होने जी। 4:30 बजे गया होने, मेरे को इन्फॉर्म जो है सो 4 बजे जो है सो मालूम हुआ कि मैं काम से गया हुआ था। काम से आने के बाद जो है सो मेरे को जो है सो बताया कि बेटा नहीं है खिजर घर में। बोले तो मैं दोस्तों से मालूम करो बोल के बोला तो सब पूरे दोस्तों से पूछ लिए, नहीं आया बोल के बताए मेरे को। रात में जो है सो बच्चा अच्छा खासा था, 2 बजे रात में भी जो है सो था बच्चा मेरा। क्या अभी घर पे कभी इन्फॉर्मेशन मिली आपको? एक्सीडेंट मेरे को 10:30 बजे जो है सो फोन आया था भाई, नहीं शाम में, शाम में, शाम के टाइम पे मैं ढूंढ रहा था मेरा बच्चे को जो है सो कहाँ है किधर है बोल के मैं ढूंढ रहा था। ढूंढने में जो है सो मेरा बेटा छोटा बेटा भी जो है सो ढूंढ रहा था। उसके बाद अचानक जो है सो मेरे को दामोदर सर जो है सो भवानी नगर के जो है सो उन्होंने कॉल करे, कॉल करके बताए कि काचीगुड़ा जाओ बोल के बोले। काचीगुड़ा जाओ, पहले पूछे कि कहाँ है खिजर है क्या पूछे, तो मैं बोला नहीं नहीं है साहब, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, कहाँ गए क्या है नहीं मालूम। फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे पीएस में? नहीं नहीं करे थे। बच्चा आता 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 बोल के जो है बैठे थे भाई कि बच्चा आप कहीं भी जाता ना भाई गाड़ी पे जो है टोचन गाड़ी पे जाता है, और वो घर के पास ही गाड़ी ठहरी हुई है, वो गाड़ी तो घर के पास ही है, टोचन पे गया होगा या किसी के साथ गया होगा बोल के हम इत्मीनान में बैठे ठहरे हुए थे कि आया तो देखेंगे देखेंगे बोल के। जब मालूम ही नहीं हुआ, ये अपने मोहम्मद नगर के पास मोहम्मदिया मस्जिद है वहां पे हुआ। क्योंकि मैं अभी जो रेलवे वाले जो फोटोज लिए थे वो फोटो देखने की वजह से मैं आपको कंफर्म जगह बता सकूं, नहीं तो मेरे को भी नहीं मालूम था। क्योंकि मैं अपने नाम लगता है ये मर्डर करे सोए मेरे बच्चे की क्या उम्र थी? 22 साल उम्र थी मेरे बच्चे, 22 साल दुश्मनी तो मेरे बच्चे के पीछे पूरे दुश्मना थे भाई, हर कोई मेरे बच्चे के दुश्मना थे। क्या मेरे बच्चों के दोनों बेटों के, एक बेटा ने दोनों बेटों के जैसे दुश्मना थे मेरे, हम लोग को जीने नहीं दे रहे थे, दम दम कर दे रहे थे। झगड़ा था आप लोगों का? नहीं नहीं, आपसी झगड़ा जो है सो एक है भाई हमारा, जो फैमिली मैटर चल रहा था मेरे वालिद साहब का। क्या उसमें जो है सो उनकी जो बेटी है नूरा और वो सरवर बल के है, उसके गाया जो पकड़ रहे थे, तो जब वो टाइम पे पुलिस आई थी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए बोल के वो कर रहे थे, तो मैं ठहरा हुआ था तो बात कर लेते जा रहे थे कि मारने लगा देते वो करने लगा देते बोल के बता रहे थे। जब उस टाइम हुआ था झगड़ा? नहीं झगड़ा नहीं हुआ था, पुलिस वाले आए थे इनके वास्ते आए थे, तो इन लोग गाया हटा लिए, हटा लेके जो है जो मेरे वालिद साहब का जो केस चल रहा था अभी भी जो है सिटी सिविल कोर्ट में था। मैं जो गया था, मैं सिटी सिविल कोर्ट गया था, मैं जाके जो है मेरे काम था मेरा, मैं जो काम करना था मैं वो काम कर लिया। कर लेने के बाद जो है मेरी कमर में जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, चांद रात के दिन एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था किले नंबर 160 के पास। तो मेरे को गुपत मारा पड़े थे, मेरे को दर्द हो रहा था, तो मैं आके जो है लेट गया था, नींद लग गई, सो गया। 4 बजे उठा, 2 बजे घर में आया, 4 बजे उठ के जो है सो मेरे को बोले कि बच्चा नहीं है घर में। तो मैं मालूमात करने के लिए उनके जो भी दोस्त वगैरह है उन लोग को फोन आ करा मैं, उन लोग जो है सो बोले कि नहीं भाई नहीं आया, उन्हें नहीं आया भाई नहीं मिला बोल के बताया उन्होंने। अब वो कौन जो है सो फोन करे थे क्या करे नहीं मालूम, मेरे बेटे का फोन मिसिंग है, फोन मिसिंग है, नहीं नहीं मिला फोन, नहीं मिला फोन, मिला तो मालूम होता कि कौन जो है उसको कॉल करे थे, कौन बुलाए थे, किसके साथ था, इन्हें मालूम होता। पुलिस से कुछ कॉपरेट और आपको? पुलिस से मेरे को कॉपरेट चाहिए, मेरे को फुल कॉपरेट चाहिए, मेरे को एसीपी साहब डीसीपी साहब सबसे मेरे को कॉपरेट चाहिए कि ये जो चीज हुई है
कि आज मेरे बेटे के साथ हुआ, आज मेरा जान जवान बच्चा चले गया, क्या मेरा बड़ा बेटा है वो उन्हें चले गया, तो मैं अब क्या करूं बोलो आप लोग। क्या हमको जो है जो तकलीफ दे रहे थे हमारे को हर चीज में, हमारे को छोटे से छोटे चीजों में हमारे को इन्वॉल्व कर दे रहे थे, क्या जाओ इस बोलते हमारे नाम से जो है ना हमारे को जो है दम दम कर दे रहे थे हम। क्या अब हमारे को जो है ना संतोष नगर पीएस लगता मेरे को एरिया को, रवि साहब इंचार्ज है मेरे, उनसे मेरी गुजारिश है, सुबह उन्होंने भी थे गए वहां पे, मेरे को अभी मालूम हुआ कि सुबह उन्होंने भी थे मगर मेरे बच्चे को नहीं पहचान सके। क्या अगर मेरे को मालूम होता तो मैं बराबर मेरे बच्चे के पास पहुंच जाता था, मेरे को खुद शाम में जो है 9 बजे के टाइम पे मालूम हुआ मेरे को, क्योंकि मैं संतोष नगर पीएस जा रहा था मैं कि जाके जो है कंप्लेन करूंगा कराऊंगा बल्कि मैं जा रहा था, तो मैं पेट्रोल खत्म हो गया था मेरा, तो पेट्रोल डलाने के लिए मैं अपने आप सीसी कैमरे भी देख सकते कि मैं जो है मसूदा अपने मसूदा फंक्शन हॉल से आगे जो पुराना पेट्रोल पंप के आगे जो पेट्रोल पंप खुला वहां पे मैं पेट्रोल डलाया, पेट्रोल डला के फिर जो है मैं पलट के संतोष नगर पीएस गया था, वहां पर पूरा सन्नाटा दिखा, मेरे को खाली एक जमदार साहब दिखे, उसके बाद कोई भी नहीं दिखे, मैं वापिस हो गया वहां से। अभी कॉपरेट करे वो लोग नहीं करे? नहीं, मैं अंदर नहीं गया भाई, झूठ नहीं बोलता, मैं अंदर नहीं गया, तो जब गया तो गया बोलता, मैं बाहर से देखा, बाहर से देखा। आप बोल रहे कि बॉडी पटरियों पे मिली, तो आप ऐसा बोल सकते कि मर्डर है? क्योंकि बच्चे का अगर मेरा बच्चे का अगर मर्डर है बोल के जो बता रहा हूँ मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि मर्डर है उसका, क्योंकि उसको पहले मार के जो कट्टे पे डाले सोए उसको एग्जैक्टली जो है ना जो मेरे पास फोटोज है बोले तो मैं आपको इशू कर देता हूँ, सामने जो मेरे को जो काचीगुड़ा रेलवे पुलिस से जो है मेरे को मिले सो है, मैं आप लोगों के सामने पूरा शो कर देता हूँ, क्योंकि मैं बचपने से मेरा बचपना पूरा वहीं गुजरा सो है, मेरा एज 46 है, मेरा बचपना पूरा वहीं गुजरा सो है, ट्रेन के एक्सीडेंट्स में पूरे देखा हुआ हूँ। कुछ निशाना था क्या बच्चे के ऊपर? जी कुछ निशाना था क्या? निशाना तो अब वो ट्रेन से हुए सो है। बॉडी के ऊपर पुराने निशाना कुछ मिले क्या अभी आपने चेक किया? ये फोटो से ये मुंडी है मेरे बच्चे, ये धड़ है, अगर मेरा बच्चा सुसाइड करा बोल रहे तो ये धड़ है, बीच में नहीं आता धड़, बीच में धड़ नहीं आता भाई। एट एमएस क्रिएटिव स्कूल वी प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर वी फोस्टर टीम वर्क एंड इनोवेशन थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड डिजाइन थिंकिंग। आवर मेंटरशिप प्रोग्राम एम्पावर्स एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स व्हाइल रेमेडियल सपोर्ट एंश्योर्स एवरीवन थ्राइव्स। English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all.